अब आगे बढ़ते हैं, कटा पटना से आपको खबर बताते हैं, जहां पर नीट के साथ छात्रों को ईओयू फिर नोटिस देने वाली है। पिछले नोटिस के बाद दो छात्राएं ही यहां पर पहुंची थी, इस बार कानूनी पहलू को देख नोटिस की तैयारी हो चुकी है। 7 परीक्षार्थी पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे और ये बता दें अब इस बार कानूनी पहलू को देखकर नोटिस की तैयारी यहां पर हो चुकी है। तो पहले दो छात्राएं ही यहां पर मौजूद हुई थी जब उन्हें बुलाया गया था, जब उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो यहां पर 7 छात्रों को ईयू फिर से नोटिस देगी, जिन्हें यहां पर हाजिरी अपनी लगानी होगी, जिन्हें पहुंचना होगा यहां पर। तो नीट स्कैम की जांच जो है उसको लेकर ये पूरी कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि अब सरकार जो है वो एक्शन में आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार अब सामने आ रही है, कल शिक्षा मंत्री की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि जांच अब इस पूरे मामले की होगी। जिस तरीके से धांधली हुई है इस पूरे मामले में, परीक्षार्थी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि क्यों कुछ बच्चों की ही परीक्षा कराई जा रही है, इतनी बड़ी धांधली हुई है, लगातार उन्होंने मेहनत की और एक ऐसा पेपर जो कि बड़ी मेहनत से पास किया जाता है उसमें आप ग्रेस मार्क कैसे दे सकते हैं और पर्टिकुलर कुछ छात्रों को कैसे ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं, पेपर लीक का ये बात भी सामने आई इसमें निकल के। अब ये जो पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जहन में जो भी सवाल हैं, कमेटी बाकायदा गठित की गई है, वो कमेटी जो है अब इन सवालों के जवाब ढूंढती हुई नजर आएगी और असल मामला क्या है उसको सामने रखती हुई नजर आएगी। तो देखिए, सिकंदर यादवेंदु की बेल पर भी आज सुनवाई होगी और इसके अलावा अगर बात की जाए गिरफ्तार 13 लोगों की बेल पर भी सुनवाई की जानी है। फरार संजीव मुखिया की बेल पर भी सुनवाई होगी आज और नीट मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। के हवाले से खबर है कि आर्थिक अपराध ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है, उसमें इसकी जिक्र है कि ये पेपर लीक पटना में हुआ है। जी प्रत्युष, तो देखिए हमारे सहयोगी जो है वो भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, पूरा मसला क्या है, पूरे मसले में तमाम सवाल जो है जो उठ रहे हैं वो क्या है, किस तरीके से अब आगे पूरी कार्रवाई होगी, उसका हर एक अपडेट जो है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस खबर से अपडेट रहें कि क्या क्या इस पूरे मामले में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आगे किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, तमाम चीजें जो है वो हम बता रहे हैं आपको। तो नीट